लेके आऊ आप सभी लोगों के लिए एक और कमाल की धमाकेदार वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग ने प्रोमो तो देख ही लिया, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भैया अगर आप लोग को भी अपने मोबाइल के स्मार्टफोन यानी दोस्तों मोबाइल स्मार्टफोन को दोस्तों अगर आप लोग को कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन में बदलना है यानी कि दोस्तों बिल्कुल वैसा ही फील चाहिए कि जैसे कि नहीं है दोस्तों हम लोग कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, तो दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फोन में माउस पैड को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में एक क्वांटम का जो है माउस है और साथ ही साथ दोस्तों एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में यूवॉन की OTG डिवाइस है, जो कि दोस्तों आज हम तीनों का कॉम्बिनेशन से दोस्तों आप लोग को ये बताएंगे कि दोस्तों अगर आप लोग को भी अपने मोबाइल फ़ोन को भैया PC या कंप्यूटर में बदलना है यानी कि दोस्तों मतलब एक कंप्यूटर वाली फील लेनी है वो भी दोस्तों अपने मोबाइल के स्मार्टफोन पे और अपने मोबाइल उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप भैया समझ जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को बताऊँ ये सिर्फ एक मज़े लेने के लिए नहीं होता है, दोस्तों आप सभी अगर मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा कि दोस्तों मैं दो बार से जो पिछली बार मैं जब लाइव करता था तो दोस्तों लाइव करने के दौरान हर बार क्या करता था, यूं यूं करके कमेंट पढ़ता था, मतलब अपने हाथ से जो है कमेंट को आगे बढ़ाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों इसको कनेक्ट करने से, इस माउस को कनेक्ट करने से ये होता है कि भाई हम मेरा मोबाइल लगा हुआ है आगे और दोस्तों हम आराम से अपने टेबल पर रख के दोस्तों आराम से मतलब माउस के जरिए जो है कमेंट को यूँ पढ़ते रहते, जिससे दोस्तों हमको एक सामने वाले व्यूवर को पता भी नहीं चलता है कि भैया ये कैसे अपने कमेंट को पढ़ ले रहा है, वो भी अपने मोबाइल की होम स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ ना कि दोस्तों किसी कंप्यूटर या लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों जो लैपटॉप या कंप्यूटर में यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हैं उनका तो दोस्तों अलग ही से साइड में सेक्शन दिख जाता है, पर दोस्तों अगर आप लोग मोबाइल से पूरा चैनल ऑपरेट करते हैं तो दोस्तों आप लोग को बार बार यूं यूं करके लाइव स्ट्रीमिंग करते टाइम दिक्कत होती होगी। तो दोस्तों ये जो सवाल है ना ये दोस्तों मेरे पिछली बार लाइव सेशन में एक भाई ने मुझसे पूछा था, तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए। चलिए दोस्तों टाइम ज़्यादा बोर ना करता हूँ, सीधे बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इसको कनेक्ट करना है। पर आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही काम की वीडियो है। और साथ साथ दोस्तों हाँ चैनल पर भैया पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, 4K सब्सक्राइबर की फैमिली हमारी भैया कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों किसी भी फ़ोन में अपने माउस पैड को कनेक्ट करने के लिए सिंपल से आप लोग के पास में एक माउस होना चाहिए, जो कि मार्केट में अगर आप लोग जाएंगे तो 100 से 150 रुपए के बीच में आराम से सस्ता मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग के पास में एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को बताऊँ एक OTG अडाप्टर होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो दोस्तों यूवॉन का है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को इसको कनेक्ट कैसे करना है अब वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को एक माउस पैड चाहिए जो कि आप लोग को बाजार में आराम से देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों अगर आप लोग ट्राई भी करना चाहेंगे तो 100 से 150 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगा। वहीं दोस्तों आप लोग के पास में एक OTG अडाप्टर होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग मोबाइल की जहां पे चार्जर वाली पिन लगती है अगर दोस्तों यहां पर भी कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को OTG अडाप्टर खरीदना बिल्कुल जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, इसको ऐसे जहां पे मोबाइल वाला चार्जर वाली पिन लगती है सिंपल से आप लोग को ऐसे करके लगा लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहां पे जो है इसको आप लोग को ऐसे इसमें OTG में लगा लेना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस पर लगाएंगे तो देखिए दोस्तों अभी ये पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुई है, ठीक है, पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुई। तो दोस्तों कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके मोबाइल फोन की सेटिंग्स में आ जाना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोग जिस भी स्मार्टफोन का जिस भी ब्रांड का स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप लोग सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक सेटिंग दिखाई देगी, एडिशनल सेटिंग, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग दिखाई देगी, सिंपल सा आप लोग को इस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है OTG कनेक्ट, आप लोग का जो मोबाइल फोन है वो इसमें कनेक्ट नहीं होगा, सिंपल से आप लोग को इस पे ऐसे करके इसको कनेक्ट कर लेना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे OTG वाले पे जैसे ही आप लोग कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये आप लोग के मोबाइल फोन में भैया आराम से कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसको आप लोग को चलाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आराम से ये जो तीर है आप लोग देख सकते हैं आ गई और इसके बाद में आराम से ये जो गेलर दिया हुआ है इससे आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग कुछ भी चला सकते हैं, लाइक अगर मैं MyJio ऐप खोलना चाहूँ तो MyJio भी आराम से खुल जाएगा, मतलब जो चाहे वो आप लोग दोस्तों कर सकते हैं। हाँ तो भैया ये जो पूरा प्रोसेस है मैंने तो आप सभी लोगों को करके बता दिया, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बताओ अगर आप लोग के मन में कोई भी सुझाव है कोई भी सवाल है जो कि दोस्तों हमसे पूछना चाहते हैं कि हमारे फोन में जो ये जो माउस पैड है ये चलेगा या नहीं, तो दोस्तों आप लोग नीचे अपने मोबाइल फोन का जो भी दोस्तों आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं उसको दोस्तों मॉडल नंबर मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोस्तों आप लोग को पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा कि दोस्तों आप लोग के फोन में ये जो चीज है ये कनेक्ट हो पाएगी या नहीं।
लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोनों में दोस्तों कनेक्ट हो जाती है। पर दोस्तों फिर भी अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सकता है ना भैया, फ्री में कमेंट होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए भैया चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे लाल कलर वाला बटन दिखाई दे रहा होगा उसको दबा के भैया बगल में एक नोटिफिकेशन बेल वाला ऑप्शन आएगा उसको भैया दबा लीजिएगा, हमको बड़ा मतलब सुकून मिलता है, सही बता रहे। चलिए दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।